हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजेटेक में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही दुख हो रहा है मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम सभी ने एक डेट फिक्स की थी 15 तारीख को लखनऊ में जाने के लिए कि वहाँ पे जाएंगे और हम अपना हक मांगेंगे। जितने भी पीएसए वाले भाई हैं आसपास के, लखनऊ के आसपास के, वो सब जाएंगे और अपना हक मांगेंगे, वहाँ जाएंगे अपने सेंटर पर और अपना प्रार्थना पत्र देंगे। जबकि वहाँ पर जो हम लोग सिर्फ जो है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर ही रहते हैं, बल्कि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आज जो देखने को मिला है सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही थे जो कुछ भी नहीं कर सके और सिर्फ जाकर अपना एक प्रार्थना पत्र दे सके, बस उनका कोई उनको रिप्लाई तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक स्थिति हुई है। आज हम लोग 18,000 हैं, कम से कम सोचना चाहिए 18,000 में कम से कम 1,000-1,500 बच्चा पहुँचना चाहिए कम से कम, तो शायद वो हमारा कुछ बात सुनेंगे, हमको वहाँ पर धरना देगा होगा। अगर रात में रुकना पड़े तो भी रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने के बाद है। 6 महीने अगर आप लोग जूनियर हो गए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जूनियर एक दिन का जो हो जाता है उससे पूछिए जिसका प्रमोशन रुक जाता है कि जूनियर होना क्या बात है एक दिन के लिए। आप यहाँ 6 महीने के लिए जूनियर हो रहे हो तो अपना आपको सोचिए कि आपके आगे लिए क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा दुख की बात रही कि आज कोई यहाँ पर नहीं पहुँच सका, और अब हमें अगली डेट क्या रखनी चाहिए आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली डेट कौन सी रखें। हम लोग 20 से पहले वहाँ पे जाएंगे, जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप 20 से पहले आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि किस डेट पे जाना है। और एक आपको नीचे जो नीचे आपको एक पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को आप देख लीजिए, #PSC ज्वाइनिंग नहीं तो वोट नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इन सभी पे शेयर कीजिए। #हैशटैग लगा के इसको जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक हमारी गूंज पहुंच सके। हम सभी 18,000 भाइयों की बात है, इसमें हमारे सिविल वाले जो भाई हैं उनका भी हमें सहयोग चाहिए, ताकि उनके लिए हम लोगों ने भी सहयोग किया। उनका मेडिकल हो रहा है, अब उनका तो हो गया, बट अब उन लोग को भी चाहिए कि हम लोग का भी सहयोग करें, क्योंकि ज्वाइनिंग मेरी भी है, PSC में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। मैं भी 6 महीने आप लोगों के साथ ही रहने लेट होंगे, तो दिक्कत जितनी मुझे होती है उतनी दिक्कत आपको भी होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो अपने हक के लिए मुझे एक बार तो तकलीफ़ सहनी होगी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं 2 दिन के लिए तकलीफ़ आप सह लीजिए। आप 6 महीने के लिए आप यहाँ पे जो सीनियर और जूनियर का गैप आ रहा है 6 महीने का, ये यहाँ पर हट जाएगा। तो आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिए 20 से पहले जिस डेट में जाना हो, आप सभी को लोग चलने के लिए जिस डेट के लिए चलने के लिए आप तैयार हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बना दूंगा उसका लिंक मिल जाएगा, जितने भाइयों को चलना है सिर्फ वही उस पर जुड़ेंगे, ठीक है। आज जब मैं वहाँ गया तो मुझे देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था कि आखिर हुआ क्या, बच्चे गए कहाँ। मान सकता हूँ इसमें से 10% बच्चे रहे होंगे जिनका BEd का एग्ज़ाम रहा होगा, बाकी तो नहीं थे ना। कम से कम 18,000 में कुछ नहीं तो कम से कम 500-600 बच्चा तो पहुँचना चाहिए था, बट वहाँ पर जो सिर्फ 25 और 30 बच्चा पहुँचा उसको लेके मुझे बहुत ही दुख है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 20 से पहले कौन सी डेट फिक्स करनी है, कब चलना है आपको लखनऊ में। हम चाहे उसके लिए धरना देना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। हमें ज्वाइनिंग चाहिए और सिविल वालों के साथ चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ज्वाइन एग्ज़ाम दिया सिविल वालों के साथ, रनिंग की सिविल वालों के साथ, DV हुआ सिविल वालों के साथ, तो अब मेडिकल और ज्वाइनिंग सिविल वालों के साथ क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों को, सबसे बड़ी बात ये है। 6 महीने का गैप कम नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा गैप होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए और सारे लोगों को जितने भी PSC के हैं सबको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सबके पास पहुँच जाए, और आज ही पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।